हे एवरीवन, नीट में आप 4 मंथ बचे हैं। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर 4 मंथ में हम कैसे नीट को क्रैक करना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप 4 मंथ में नीट में सिलेक्शन आपका हो सकता है। आप नीट में 600+ भी स्कोर कर सकते हो, और ऐसा मैंने बहुत ही लाइव एग्जांपल देखा है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, 3 मंथ 4 मंथ में नीट उन्होंने क्रैक किया है। ठीक है, तो आज मैं कुछ स्पेशल टिप और प्रिपरेशन टाइम टेबल देने जा रहा हूँ, जिससे आपके 600+ 4 मंथ में आएंगे। आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिपरेशन टिप है। ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे। तो अभी से आपको 4 मंथ तक, जब तक आपका मई में जो एग्ज़ाम है तब तक आपको 8 आवर स्टडी पर डे निकालना है। ठीक है, तो 8 आवर स्टडी आप डेली करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आपने 4 आवर किया, कभी 6 आवर किया। ठीक है, देखो कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सरकम टांस हो जाता है, ऐसा हमारे पास कंडीशन हो जाता है, कभी हम 8 आवर के बदले में 4 आवर ही स्टडी कर पाते। तो उस टाइम में आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि आज हमने 4 आवर ही पढ़े हैं, अब क्या होगा, नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। दूसरे दिन आप और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। ठीक है, उसको मेकअप कर लेना। तो 8 आवर मैंने बोला आपको पढ़ने के लिए, उसमें आप 3 आवर जो कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा या कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट होगा वो देना है 3 आवर के लिए आपको। और आपको पता होगा नीट का टाइम चेंज हुआ है, अब आप नीट का एग्ज़ामिनेशन 2 PM से 5 PM के बीच में होगा। तो आपको उसी बीच में 3 to 5 PM, 2 to 5 PM इसी के बीच में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। आप उस टाइम में आपको क्या क्या कंसीडर करना है, ये वीडियो के आगे हम बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है आपका सिलेबस। तो अभी मैंने बहुत से बच्चे से पूछा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से मुझे फीडबैक मिला है कि किसी का ऑलमोस्ट 70%, किसी का 40%, वेरी कर रहा है, किसी का कितना हुआ है, किसी का कुछ हुआ है। तो ये परसेंटेज वेरी कर रहे हैं सिलेबस के, कि कंप्लीट किसका कितना हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहा है। तो मैंने सभी को ओवरऑल बता दिया है कि आप मिड फरवरी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, आप सिलेबस कंप्लीट करने तो मैंने बोल दिया मिड फरवरी तक करना है, अब उसके चक्कर में आप स्किप मत करना। ठीक है, सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये लक पे डिपेंड करता है, और आप प्रिपरेशन और आपने कितना उस चैप्टर में मेहनत किया है उस पे डिपेंड करेगा कि आप उससे कितना क्वेश्चन बना पाओगे नीट के एग्जामिनेशन में। तो मिड फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमें NCERT को आपको पढ़ना है। किसके लिए? बायो और इनऑर्गेनिक के लिए। मैं NCERT इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए आपको, बायो और इनऑर्गेनिक के लिए। देखो, आपको जो बायोलॉजी का रोल है नीट एग्जामिनेशन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तीनों में आपको रोल प्ले करेगा NCERT बुक। और जो बायो और इनऑर्गेनिक है इसमें आपको ज़्यादा रोल मिलेगा NCERT का। तो NCERT पे आपको फोकस बनाए रखना है अपना, और जितना हो सके उतना MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, और MCQ के लिए आपको कोई बुक, अभी मार्केट में आपको बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आपको अगर जानना है कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बेटर है अभी के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको कौन सा बुक बेटर है MCQ के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, जो है रिविज़न का। हमने मिड फरवरी तक सिलेबस कम्प्लीट कर लिया, अब आ जाता है रिविज़न का टाइम। अब रिविज़न कैसे करना है ये बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी में आपको वही जो NCERT है उसको अगेन एंड अगेन पढ़ना है, जितनी बार हो सके उतनी बार हमको उसको रिवाइज़ करना है NCERT को। आपको उसके साथ साथ आपको 18 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, बस 18 ईयर के। 18 ईयर से आप ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं लगाओगे, कोई यूज़ नहीं है उसका,
कोई काम नहीं आएगा। तो 18 ईयर का आपको लिमिट रहना 18 ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए। तो बायो में एनसीईआरटी पढ़ना है अगेन एंड अगेन 18 ईयर के क्वेश्चन लगाने। फिजिक्स में आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट आपको रीडिंग बार बार नहीं लगाने हैं, आपको क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन आपको जितना हो सके उतना सॉल्व करना है रैदर देन आप कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ो। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ रिवाइज उसको भी करते रहना है। ठीक है, तो आपने 8 आवर जो सेल्फ स्टडी मैंने बताए आपको करने हैं 8 आवर के। ठीक है, तो 8 आवर आपने सेल्फ स्टडी करना है। उसमें जो मैंने बताया था आपको कि आपको कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना है, तो उस टाइम में आपको क्या कंसीडर करना है कि आप रूम को लॉक करो, फ्रेश माइंड, रिलैक्स माइंड से आप ये समझो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए और आपके सामने आपका नीट का पेपर आ गया है। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, आपके पास कोई वाटर बोतल नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ना आपको कोई ब्रेक लेने हैं, नहीं कोई वॉशरूम यूज करना है। ठीक है, आप ये मान के बैठो कि आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो रियली में, आप उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आप उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या आपका माइंड सेटअप होगा, क्या हम जो आप कस्टमाइज हो जाओगे उस जो नीट का रियल एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो ये आपको करने हैं जो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे, जो एट लास्ट जो आपको करना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए और आपने ये चीज़ नहीं किया तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, वो है आपने एनालाइज़ नहीं किया अपने मॉक टेस्ट को। जो आपने टेस्ट दिया उसमें क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग निकला उस पर एनालाइज़ नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो आपको ये आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला है। तो उसके लिए जैसे क्या होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन लगाया, हमसे बना, ठीक है, हम आगे बढ़ गए, ठीक है, तो हमसे बना तो ठीक है, उसको हम फिर रिवाइज़ करते रहेंगे। अगर नहीं बना तो हमको फिर से जाना अपने नोटबुक, अपने रिवीजन, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको फिर से पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक को, तब हम जाके दूसरे करंट, इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे ऑप्टिक्स उसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को फिनिश करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे करते रहना। और बायो पे आपको ज़्यादा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि बायो आपको पता होगा 15% सिलेबस आपका बायो कवर करेगा, तो हमें बायो पे ज़्यादा फोकस बनाए रखना है अपना। ठीक है, और बायो में हमें कम से कम 300+ स्कोर करने की कोशिश करनी है, कम से कम हम 300+ स्कोर करें। इसके लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ो बार बार, ये आपका हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे उतना बेटर होगा बायो के लिए। ठीक है, तो बायो में पढ़ना ज़्यादा है और क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने सारे आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स है सारी बता दिए। ठीक है, और अभी भी आपके मन में कुछ क्वायरी चल रहे हैं, कुछ कमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पोस्ट ज़रूर करना अपना कमेंट, मैं आपको जितना जल्दी होगा उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हो या पुराने हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और वीडियो आपको देखने मिलेंगे इसी चैनल पे जो है मैड प्रेप जी चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।